माई नेक्स्ट वीडियो का स्वागत है गाइस। एंड आज गाइस, आज बहुत मस्त चीज हुआ। मैंने देखो, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था, मेरे पास ईमेल आईडी भी नहीं, मेरे पास सिम कार्ड नहीं था। भगवान थी दया से, कसम से, मैंने एक अरबी ने मेरे को कॉल करने का कोशिश किया, उसके पास नंबर था। वो पूछ रहा था, बोला तेरा नंबर नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। फिर मैंने उसको बताया कि यार मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है और मैं सिम नहीं ले पा रहा हूँ। वैसे वैसे उसको पूरा बताया मैंने, मैं लोगों से पूछा कि इसमें कोई एक सिम चाहिए था, बट कोई नहीं दे रहा था सिम लेके। तो उस बंदे ने क्या किया भाई, कसम से उसने मेरे को आज सुबह सिम भी दिया, उसके साथ उसमें रिचार्ज भी करके दिया भाई। मैं तो उसको देख के हैरान हो गया। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब कि मेरे शब्द नहीं रहे थे, उसको क्या बोलूं भाई, कसम से बोलूं। मतलब मैं उसको बहुत शुक्रिया किया ऐसे ऐसे, क्योंकि एक्चुअली यार मेरी लोकेशन में मेरे को सिम का बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे को चाहिए था सिम। एंड उसने अपने ईमेल आईडी से मतलब सिम कार्ड दिया, वो यूए रेसिडेंस है। बाकी तो इसका एक्सपायरी डेट कार्ड कूड का तो मेरे को लगता होगा 3 साल के बाद है शायद, या रिचार्ज का या कार्ड का है, मुझे नहीं पता। 3 साल के बाद ही मतलब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा ये शायद, तो 2023 में जाके मेरा कार्ड एक्सपायर होगा। एंड भाई मेरे को बहुत मतलब ऐसी खुशी मिली ना, कसम से बोलूँ यार, मजा आ गया कसम से। बंदे को देखो, एक बार बोला बंदे ने, तुरंत उसके बाद बोला, गलत बोला, तेरे को कल सिम कार्ड मिल जाएगा। और इधर मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी ना, कि इधर मैंने सिर्फ मनी ट्रांसफर के लिए एमिरेट्स आईडी मांगी थी, वो बंदा नहीं दे पाया, अपना मुल्क का बंदा नहीं दे पाया। वो बंदे ने ऐसे ही बिना सोचे अपने कार्ड से सिम कार्ड दे दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली सिम कार्ड के लिए कुछ लोग पता क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसका मिस यूज हो सकता है गाइस। आपको भी केयरफुल रहो अगर किसी को सिम कार्ड दे रहे, क्योंकि जिसको आप सिम कार्ड दोगे ना, कल को वो उसका किसी को कॉल करके कुछ गाली गलौज हो गया, लड़ाई हो गया कॉल पे भाई, किसी लड़की को, अरबी लड़की को, ऐसे किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा कुछ कर दिया, तो भाई जिसकी नाम पे सिम कार्ड होगी ना, सीधा पुलिस उसको उठाएगी। आपको, आप नहीं फंसोगे, आपने जिससे सिम लिया आप नहीं फंसोगे, पर जिसके नाम पे वो सिम होगी वो फंसेगा। फिर उसको याद करना पड़ेगा, यार मैंने किसको सिम दिया था, क्या दिया था। तो ये चीजें होती है गाइस, तो इस चीज को पूरा आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी का अगर सिम कार्ड यूज कर रहे हो ना, मैं तो स्पेशली ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं, वैसा तो मेरा जिंदगी में नहीं होगा, ना हुआ है कभी, बट आपके लिए बोल रहा हूँ, इन केस आप किसी का सिम कार्ड यूज करते तो उसको केयरफुली यूज करना दुबई में, क्योंकि यहाँ पे भाई रूल रेगुलेशन कुछ अलग है। और आपका इमीडिएट आईडी तो जन्म कुंडली है, इमीडिएट आईडी जब बन जाएगा ना, आपको फाइन क्या सब कुछ क्या सब इमीडिएट आईडी पे पड़ेगा। आप दुबई बाहर जा ही नहीं सकते, आप दुबई से जब तक बाहर नहीं जाते, जब तक आपने फाइन नहीं भरा, वो नहीं भरा, एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लेगा। तो इमीडिएट आईडी बहुत जरूरी है इधर, बाकी तो कुछ नहीं, इमीडिएट आईडी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते इधर, जो भी है बैंक ट्रांसफर है कुछ भी है, क्योंकि वो मेन चीज है इधर का, उससे ही आपकी हर चीज चलेगी। एंड बाकी तो और कुछ नहीं गाइस, बस आज इतना ही है। बाकी नेक्स्ट आपको एक स्पेशल स्पेशल चीज के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, थोड़े टाइम के बाद। अगर की अपडेट रहना मेरे साथ, आपको बताऊंगा बहुत मस्त चीज है। एंड अभी वो थोड़ा उसको टाइम लग रहा है, उसके लिए सोच रहा हूँ अच्छे से, उसका विचार करके आई विल रियली अनाउंस यू। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, एंड रियली गॉड ब्लेस यू गाइस। जो दुबई में आ रहा है उसके लिए, उसके बेस्ट ऑफ फ्यूचर करियर के लिए लोग दुआ करते हैं, वो मतलब भी तो बहुत अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट देर विशेस टू ग्रीटिंग टू मी। एंड बाकी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में ऐसे वैसे, और तो कुछ नहीं गाइस, बस आप सक्सेस हो जिंदगी में, अपने घर वालों को अच्छे से पालो, और सबका जो भी है, जिसका भी मतलब अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है घर में, सब सही सेट करो दुबई में आके। और तो कुछ नहीं गाइस, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।